खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूँ आईसी पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सहारा इंडिया परिवार का 43वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से आज मनाया गया। पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। आइए देखते हैं दीपक चौहान की यह रिपोर्ट। जौनपुर सहारा इंडिया परिवार का 43वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से आज पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। इसी कड़ी में आज जनपद जौनपुर के जलालपुर फ्रेंचाइजी ऑफिस के मैनेजर ओम प्रकाश मौर्य के नेतृत्व में समस्त स्टाफ और कार्यकर्ता साथियों ने स्थापना दिवस को बड़े ही सादगी व शानदार तरीके से मनाया। कार्यक्रम में मौर्य ने भारत माँ के तस्वीर के समकक्ष दीप प्रज्वलित करके तथा उनके तस्वीर पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने अपने समस्त कार्यकर्ता साथियों के साथ केक काट कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अपने संबोधन में मौर्य ने अपने समस्त सम्मानित जमाकर्ता ग्राहकों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए इस बैंक से अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने व यहाँ के तमाम स्कीमों के लाभ उठाने के लिए लोगों से आग्रह किया। इस दौरान मैनेजर ओम प्रकाश मौर्य के साथ SFM डॉक्टर LK मौर्य, फील्ड एग्जीक्यूटिव महेंद्र मौर्य, सीनियर मोटिवेटर अनुपम जायसवाल सहित निजाम अहमद, बसंतलाल प्रजापति, राकेश कुमार, राजेश प्रतापति, शिवम प्रजापति, माधुरी मौर्य, सुनील कुमार व सूरज कुमार इत्यादि समस्त कार्यकर्ता व जमाकर्ता उपस्थित। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान खबर 7C चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आइए लेके चलते हैं हम आज आपको सहारा इंडिया परिवार का जो है कि आज 43वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से हर जगह पे जो भी जिला कार्यालय है, जो भी ब्लॉक कार्यालय है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। इनके जितने भी साथी हैं, इनके साथ जितने भी एजेंट इनके जुड़े हुए हैं, वो अपने तरीके से बड़े धूमधाम से आज जो है कि इस अवसर पे स्थापना दिवस को मना रहे हैं। तो आज हमारे साथ जलालपुर के जो है कि यहाँ के मैनेजर हमारे साथ हैं सारा इंडिया परिवार के, तो उनसे रूबरू कराते हैं चैनल खबर 7C के माध्यम से और उनसे जानेंगे कि ये जो 43वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसके पीछे इनका, इनके पूरे परिवार का और इनके जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका कितना अथक प्रयास रहा है इसके पीछे। तो आइए लेके चलते हैं, सीधे सीधे रूबरू कराते हैं। सर अपना पर्चे दीजिए। जी सर, ओम प्रकाश मौर्य, फ्रेंचाइजी मैनेजर जलालपुर। सर आज आप लोग बड़े धूमधाम से जो है कि 43वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आज आप देशवासियों को और अपने जो साथी हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के आपके लिए लगे रहते हैं, आपके इस परिवार के लिए लगे रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, सहारा इंडिया परिवार आज 43वां स्थापना दिवस मना रहा है। सहारा इंडिया परिवार 1978 से शुरू होकर के आज 2020 में 43वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सहारा इंडिया में 13 लाख से ऊपर कर्मयोगी कार्यकर्ता इससे जुड़ करके अपना भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं, अपना प्लस अपने परिवार का जीव को अर्पण कर रहे हैं। हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहारा इंडिया के साथ जुड़ करके सहारा इंडिया के जो भी स्कीमें हैं, जो भी स्कीम चल रही है उससे जुड़ें और बेहतर लाभ लें। आपके जो है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो आपके अधिकारी गण रहे हैं और बहुत से लोग आपसे जुड़े हैं, आपसे पहले आप जो भी लोग भी आए हैं और आज इस मुकाम पे इस जो है सहारा इंडिया परिवार को उन्होंने स्थापित किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पहली बात तो हमें ये बताना है कि हम सहारा इंडिया से 1995 की हमारी ज्वाइनिंग है। हम हाई इंटर की परीक्षा देने के बाद सहारा इंडिया से जुड़े थे और आज लगभग हमें 25 साल हो गया सहारा इंडिया से जुड़े हुए। इन 25 सालों में मैं सहारा इंडिया से बहुत कुछ हासिल किया और शायद कहीं कंपनी में नौकरी करता तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती या कहीं सर्विस करता वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। आज लगभग हमारे साथ 1500 से लोग हमारे साथ हमारे टीम में काम कर रहे हैं और हम लोगों की इनकम सालाना 20 लाख से एबव की होती है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहारा इंडिया परिवार से जुड़ें और अपना लाभ लें। अपने जमाकर्ताओं को और अपने ग्राहकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी जमा पूंजी आपके बैंक में जमा करते हैं, आप लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और आपके काम को आगे बढ़ाते हैं? हम अपने सम्मानित जमाकर्ता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सहारा इंडिया के परिवार की जो भी स्कीमें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत लाभकारी हैं। 1 साल से लेकर के हमारे पास 15 साल के लिए डिपॉजिट की स्कीमें हैं, उससे जुड़ें
और बेहतर से बेहतर लाभ लें हम लोगों के साथ जुड़ के। जी धन्यवाद। आइए कार्यक्रम में कई सारे लोग हैं, उनसे भी उन परिचय करवा देते हैं और साथ ही साथ उनसे पूछते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है। हाँ, नाम बताइए अपना आप। राजेश कुमार राजभर। राजेश जी, आज आप लोग तिरालीसवां स्थापना दिवस मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो ये पूरे 3 साल हो गया है, अभी नए नए हैं, अभी मोटिवेटर हैं और हमको इतना बढ़िया लगा कि नौकरी ढूंढते ढूंढते भी थक गया, फिर भी नहीं मिला, ये सहारा हमको। जी धन्यवाद। आइए और कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। जी सर, मैं महेंद्र मौर्य इसी परिषद जिला परिषद से हूँ। आप अपने मैनेजर सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने आप लोगों के यहाँ पे ऑफिस की व्यवस्था की है और हमेशा आपके साथ संदेश कंधा मिला के चलते हैं? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि जो इनके इन्होंने अपने नेतृत्व में यहाँ ऑफिस को चला रहे हैं ताकि हम लोगों को जौनपुर जाने से जो है कि थोड़ा सा सुविधा बहुत अच्छा मिल गया है। जी धन्यवाद। आप जो है कि सारा श्री सुब्रत राय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना मेहनत करके इस जो है कंपनी को खड़ा किया था? सहारा श्री के बारे में तो कहाँ मतलब बातें बहुत हैं लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं है। एक व्यक्ति और 2 जमाकर्ता को जोड़ के मतलब 3 लोगों के साथ 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई, 1 फरवरी 1978, और आज हम उस समय 2000 की पूंजी थी। उनके कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा के बल पे, जमाकर्ता प्लस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे प्राइवेट सेक्टर में 43 वर्ष कंपनी प्रवेश कर चुकी है और सारे जांच इस कंपनी के हो चुके हैं, चाहे ईडी का हो, चाहे सेबी का हो, चाहे सीबीआई का हो, और हर तरह से ये कंपनी एकदम स्वच्छ और खरी उतरी है। तो इस वजह से हमारे जमाकर्ता का भी विश्वास बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का भी विश्वास बढ़ा है और हमारी कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में। आज हमारी कंपनी की चल अचल संपत्ति पूरी मिला के 2 लाख करोड़ है इस 42 साल के सफर में, और इसे अगर मैं नहीं करना चाहूँ। धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो है ये कंपनी जो है बताया इन्होंने भाई साहब ने कि 2000 की पूंजी से स्टार्ट होकर आज इस मुकाम पर पहुंच गई है, लाखों में मिलियन में इनका जो है कि आज ये चल अचल संपत्ति बन चुकी है। साथ ही साथ कई लाख कार्यकर्ता जो है कि अपने जीविकापार्जन का एक साधन बना के आज जो है कि अपने जीविकापार्जन को अपने घर को चला रहे हैं। तो इसके पीछे इन कंपनी के जितने कार्यकर्ता हैं, इनके जितने अधिकारीगण हैं, जिनके और इस कंपनी के जो कर्ता धरता है उनका आज जो है कि अथक प्रयास रहा है। तो कैमरा पर्सन अरविंद यादव के साथ मैं दीपक चौहान, खबर 7 सी न्यूज़ चैनल जौनपुर।